एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ बात ना करें, प्लीज़ सीरियसली, काफ़ी मैं ये चाहता हूँ कि हम ऑडियंस के साथ शो करें और आप इसमें मेरी मदद करेंगे, वरना होगा क्या, आप दूसरों के लिए बड़ा नुकसान कर देंगे। हम आपको प्लॉट्स देना चाहते हैं, इनामात देना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर इस तरह से बातें होंगी, बिकॉज देखिए एक और बात है कि अब हम क्विज के सेक्शन पर जा रहे हैं, यहाँ अगर आपको जवाब आता भी है तो प्लीज़ आप लोग खामोश रहेंगे, आप लोग बात नहीं करेंगे। और मैंने आपसे दोबारा रिक्वेस्ट की है, प्लीज़, ये मैं जानता हूँ कि बच्चे थोड़े से बेचैन भी हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा लगता है, तो प्लीज़ उनको बाहर लेके चले जाएं थोड़ी देर के लिए, पर प्लीज़ यहाँ 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 थोड़ा सा ज़रा ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ हम लाइव जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि अगर मैं बार बार आपसे बात करूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ थोड़ा सा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, तो प्लीज़ आप ही के बच्चे हैं, प्लीज़ ज़रा बाहर ले जाइए, थैंक यू सो मच। अच्छा, होगा क्या कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो ये सारा का सारा इंप्रेशन लाइव शो में जाता है, वो थोड़ा सा ऑड लगता है, तो प्लीज़ ज़रा मेरी रिक्वेस्ट है इस पर ज़रा अप्लाई कर लें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, अब हम कोलगेट क्विज की तरफ से क्विज की तरफ आते हैं, कोलगेट क्विज, ऑफ कोर्स आपको पता है कि कोलगेट क्या कहता है, बल्कि इनफैक्ट कोलगेट की ये वाली कैंपेन मेरे दिल के बड़ा करीब है। कोलगेट ये कहता है कि हमारी इस्लामी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों की मिसालें हैं जो बड़े बाकमाल लोग थे, बहादुरी में, शुजात में वो बहुत कमाल थे, लेकिन साथ साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी थे, हम किसी तौर पर भी उनसे मुवाजना या मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेकिन उनकी एक खासियत या एक ट्रेट अपना ज़रूर सकते हैं, और वो क्या है, वो है यू नो ऑफ बींग स्ट्रांग, मजबूत होना। अब मजबूत आप कैसे होंगे, जब आप दिन में दो मरतबा ब्रश करेंगे कोलगेट के साथ, क्योंकि कोलगेट प्रोवाइड करता है आपको मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोलगेट के इस पैगाम को याद रखें, यूज़ कोलगेट, कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन, आपको अगर आप दिन में दो मरतबा करते हैं तो आपके दांतों को न सिर्फ मजबूत करता है बल्कि आपकी सेहत को भी बेहतर करेगा, क्योंकि दांत मजबूत तो सेहत बेहतर। थैंक यू कोलगेट, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से इमाम रब्बानी ट्रैवल्स की जानिब से उमरे का टिकट दिया जाएगा, जो खुशनसीब हमारे इस क्विज प्रोग्राम को जीतेगा इन द फाइनल, उसको उमरे का टिकट दिया जाएगा। टैगलाइन है जी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, नेल्सन पेंट की ये टैगलाइन है, वो कहते हैं कि रंग जिंदगी का, नेशनल जो नेल्सन पेंट आला मेयार का नेशनल पेंट ब्रांड है, खसूसियत इसकी ये है कि 25% एक्स्ट्रा आपको कवरेज देता है, यानी उतने ही पेंट में आपका जो एरिया कवर करते हैं वो ज़्यादा कवर करते हैं, सो थैंक यू नेल्सन पेंट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कोलगेट, एंड डेफिनेटली थैंक यू इमाम रब्बानी ट्रैवल्स, हियर वी गो। मेरे पास दो जो नाम हैं, थैंक यू वेरी मच, मेरे पास नाम ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, ज़रा नाम बता दीजिएगा मुझे जी। मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन साहब, और आप? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान और मोहम्मद अमीन साहब के लिए आप वालिद और बेटे? ऑल राइट, क्या करते हैं सर आप? मैं तो निजी मुलाजमत करता हूँ। और आप क्या करते हो बेटा? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ और दीनी तालीम भी हासिल कर रहा हूँ। वेरी नाइस, इनके लिए बहुत सारी तालियां जी, थैंक यू। एक ही फैमिली तो नहीं है ना ये? अच्छा, आपका नाम? राबिया। राबिया, और आपका नाम? सैयदा इकरा। सैयदा इकरा और राबिया, तो आप वालदा हैं इनकी? जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये बताइए क्या करती हैं बेटा आप? राबिया, इकरा क्या करती हैं आप? मैं तो खुर्शीद कॉलेज में हूँ। क्या करती हैं? खुर्शीद कॉलेज में हूँ। खुर्शीद कॉलेज के अंदर है, थोड़ा आपको लाउड बोलना पड़ेगा। अच्छा, इसके दो मरहले होंगे, पहले मरहले के अंदर मैं आप लोगों से सवाल आत करूँगा जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, दूसरे मरहले के अंदर वो सवाल करूँगा जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होंगे। तैयार हैं आप लोग खेलने के लिए? 1, 2, 3 एंड गो। सबसे पहला सवाल राबिया और इकरा की टीम से, चौधरी मोहम्मद अली के बाद कौन पाकिस्तान के वजीर आजम बने? हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मोहम्मद अली बोगरा या इब्राहिम इस्माइल? मोहम्मद अली बोगरा। नहीं, नो, सोहरवर्दी साहब। ऑल राइट जी, एक सवाल आपका गलत हो गया, ये कैलकुलेशंस रख लीजिएगा। अक्वामे मुत्तहदा के, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आईफल टावर की ऊंचाई कितनी है? आईफल टावर की ऊंचाई कितनी है? 1067, 1063 या 1071 फीट? 1063 फीट, 1067 फीट या 1071 फीट? 1071 फीट। 1063 फीट,
ईरान के बादशाह खुसरो परवेज तक हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम किस सहाबी ने पहुंचाया? हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा, हजरत माज बिन जबल या हजरत जैद बिन हारिस? हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पक्की बात है? तुक्का तो नहीं है? नहीं। जवाब दुरुस्त है। हॉकी को एशियन गेम्स में कब और कहां मुतारिफ करवाया गया? टोक्यो में 1958, जकार्ता में 1957 में या फिर बैंकॉक में 1956 में? साइलेंस। 1957 जकार्ता। समझ तो गए होंगे आप। हाँ, टोक्यो 1958। लेकिन बहरहाल जवाब गलत हुआ। दो सवाल आपने गलत दिए, एक सवाल का जवाब आपने गलत दिया, एक पॉइंट की लीड आपके पास है। राबिया बसरी की पैदाइश का सन क्या है? सन 96 हिजरी, सन 101 हिजरी या सन 90 हिजरी? राबिया बसरी की पैदाइश का सन क्या है? 96 हिजरी। पक्की बात है? 96 जी। तुक्का या 96? पक्का याद है? 96। जवाब दुरुस्त है। शीशा या मिरर, ये आसान सवाल है बहुत। शीशा या मिरर किस पैगंबर की ईजाद है? हजरत सुलेमान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इंतहाई आसान सवाल। सफर इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना है? दूसरा। मैंने जवाब भी आपको नहीं बताए थे, लेकिन जवाब दुरुस्त है। किस जंग में सबसे ज्यादा हुफाज यानी हाफिज कुरान शहीद हुए? जंगे यमामा, जंगे यरमूक या जंगे खैबर? जंगे यमामा। जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कुदरती झील कौन सी है? मंछर झील, झील सैफुल मलूक या किंझर झील? मंछर, सैफुल मलूक या किंझर? मंछर झील। पक्की बात है? मंछर झील जी। दुरुस्त है। आप लोग तालियां नहीं बजा रहे, सोच रहे इनाम भी देने नहीं आऊंगा मैं। हाँ, मैं सही बता रहा हूं, मैं सबको देख रहा हूं, जो नहीं बजाएगा इनाम भी नहीं पाएगा। अच्छा जी, बड़ा आसान सवाल। 1973 का आईन, इसका निफाज कब हुआ? 14 अगस्त 1973, 23 मार्च 1973 या फिर 6 सितंबर 1973? 6 सितंबर 1973। 14 अगस्त 1973। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले इजलास की सदारत किसने की? सर आदमजी पीर भाई, सर आगा खान और सर सलीमुल्लाह? साइलेंस। सर आगा खान। सदारत की बात कर रहा हूं। जवाब सर आदमजी पीर भाई। पाकिस्तान का आसान सवाल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? कजाफी स्टेडियम लाहौर, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद या नेशनल स्टेडियम कराची? कजाफी स्टेडियम लाहौर। सबसे बड़ा तो कजाफी स्टेडियम ही है ना? बड़ा, सबसे बड़ा कजाफी स्टेडियम लाहौर का। इसको जरा चेक कर ले, नेशनल स्टेडियम कराची इज द बिगेस्ट। चेक कीजिए गूगल नेशनल स्टेडियम कराची। नेशनल स्टेडियम कराची इज द बिगेस्ट। ऑलराइट। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कयाम कब अमल में आया? 1974, 1978 या 1981? 1974, 1978 या 1981? 1974।
दुरुस्त है। पाकिस्तान में कितनी ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं? 4, 6 या 8? पाकिस्तान में कितनी ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं? 6। पाकिस्तान में कितनी काम कर रही हैं मालूम है आप लोगों को? कितनी काम कर रही हैं? क्या जवाब है? हाँ, 4। अच्छा जी, अब हम नॉकआउट मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो इनकी लीड ज्यादा है, बट हियर वी गो। अब मैं आपको चॉइसेस नहीं दूंगा। अमेज़न फंड की देखभाल किस मालियाती इदारे के जरिए की जाती है? अमेज़न फंड की देखभाल किस मालियाती इदारे के जरिए की जाती है? अगर आपने इसका गलत जवाब दिया तो याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है। पास। पास। आप जवाब देना चाहते हैं? नहीं। आपका सवाल, जवाब है इसका ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक। और आपका सवाल है, कुरान करीम का दिल किस सूरा को कहा जाता है? सूरह यासीन। दुरुस्त है। आसान सवाल आपके लिए, बलूचिस्तान के मौजूदा वजीर आला का नाम बताइए। सरदार सरफराज बुगटी। जवाब सही है। आसान सवाल, डायनामाइट किस शख्स की इजाद है? आप जवाब देना चाहती हैं? जी, अल्फ्रेड नोबल। जवाब दुरुस्त है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चन। पाकिस्तान ने अपना पहला सफारतखाना किस मुल्क में खोला? ईरान। दुरुस्त है। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की हैसियत से सबसे कम मुद्दत किसकी थी? आप जवाब देना चाहती हैं? जी, क्या? कायद आजम मोहम्मद अली जिना। सिकंदर मिर्जा। नेगेटिव मार्किंग के बाद भी आप लोग अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया।